हेलो। अरे कुछ तो बोलो, हेलो बोलो या हाय बोलो। हेलो, हाय। क्या बना रहे हो आज? आज बनना है मशरूम। है कहाँ मशरूम? कहाँ है तुम्हारी? तो इधर उठाओ, इधर। अरे यहाँ तो दिखाओ तो सही मुझे, क्या बना रहे हो? मशरूम बना रहे हो? क्या बना रहे हो, क्या पता है? अच्छा, रोस्टेड मशरूम। तो ये रोस्ट कर ली? अच्छा चलो। तो मतलब क्या, अब वैसे भी मतलब कटी हुई प्याज भी डाल रहे हो और पेस्ट भी है, तो ये तो अपने आप अच्छी लगेगी जब इतना सारा सामान है तो इसमें। अच्छा तो अब कैसे बनेगा? सबसे पहले ये सारा सामान डाल दिया और फिर? अच्छा मतलब ये सारी चीजें भून के और फिर मसाला। तो कम कर लो थोड़ी सी, थोड़ा कम कर लो। मतलब वही है सिंपल तरीका जैसे आते कोई, मैं सोची कि अलग तरीके से बना रहे हो आज। चलो खा के देखेंगे, आज हमारे शेफ बना रहे हैं मशरूम, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी जब ये बना लेंगे फाइनल। या कुछ नया कर रहे हो क्रिएटिव इसमें? वही है ना सिंपल, सारे मसाले डाल के फिर सब। मतलब एक्स्ट्रा मसाला है कोई इसका? जी, इसमें डाला है पनीर मसाला। इसमें पनीर मसाला? अच्छा, मतलब कोई लॉजिक है इस पनीर मसाला डालने का? ऐसे तो फिर किसी चीज में भी डाल लो, खड़े मसाले डाल लेते थोड़े से, डाल ले खड़े मसाले। मसाला अपनी जगह होता है। अच्छा चलो फिर, जब हमारे शेफ कर लेंगे रेडी मशरूम की सब्जी, जब मैं लास्ट में आपको कलर दिखाऊंगी, ऐसे ही डाल रहे हैं सारी चीजें मसाला, जैसे कि एक सिंपल सब्जी में डलता है, कुछ एक्स्ट्रा इसका अलग से मसाला तो है नहीं। हाँ कौन सा, ये वाला? हाँ यही तो ले लो, लो ये इस पर रख के करोगे ना तो वो छींट ना आएंगी मसाले की। फोन भी रपट रहा हाथ से। तो चलो भाई, हमारे यादव जी जब बना लेंगे खाना तब बताती हूँ आपसे। देखना मैं कुछ ज्यादा ही पतली हो गई क्या? इतनी पतली ना हो जाओगी थोड़ी देर। ना ना ऐसा ना कह रही, मतलब फेस से ऐसा लग रहा है बड़ी डलनेस थी, है ना? तो दिन का मन तो आ जाता है ना। हाँ पता नहीं सर्दियों की वजह से कैसे क्या नहीं, लोशन लगता है रोज खाने के बाद। हाँ पर ये है कि एक्स्ट्रा केयर कुछ नहीं हो रही फेस की। अब जरा केयर होगी कुछ, जरा रोज रसोई, रोज स्कूल, रोज रसोई, रोज स्कूल, मेरा तो जीवन निकल गया सारा इस रसोई में। गृहिणी का तो ये जीवन नहीं है। गृहिणी का जीवन मतलब रसोई में है? कहाँ जाएगा मतलब क्या? वो गृहिणी कहाँ जाएगी? लो बताओ, मतलब रसोई में काम करो फिर अपनी जॉब पे जाओ फिर वापस रसोई में। हे प्रभु ऊपर वाले अगर देख रहे हो मुझे तो अगले जन्म में ना मुझे ये बनाना और इन्हें ये बनाना और फिर मैं जो राज करूंगी बैठ के देखना। वाकई में भैया कैसा हो गया? और इस बार संडे में जो है ना कुछ होती है अपनी केयर, ठीक है? क्या कराऊं, फेशियल कराऊं क्या है? अब फेशियल कराने जाने के लिए तो हो गए चुप, क्योंकि देने पड़ेंगे पैसे। नेचुरल ब्यूटी हो जाओ। नेचुरल ब्यूटी तो रही ना, मैं तो इस कैमरे में देख के बड़ी शौक हूँ, मैंने कहा पता ना कैसा हो गया फेस। अच्छा मतलब जब शाम हो जाए उसके बाद मेकअप नहीं करना चाहिए? और शादियों में तो शाम को रात को ही मेकअप होता तो अच्छा। वास्तु टिप्स में लिख रहा है ये, और जैसे मान लो जैसे जिसकी शादी है और हम किसी शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो हम भी तो उसमें जाएंगे ना, तैयार हो गई?
अच्छा मतलब तैयार पहले ही हो जाओ, मेकअप करे रहो पर तब मत करो रात में है। चलो ये नई बात पता चली है, पर ये फॉलो तो हो नहीं पाई। संडे में मिलते हैं एक अच्छे फेस के साथ। हो गई रेडी? अब खाके तो पता चलेगा कैसी है, देखने में तो अच्छी हो रही बहुत है ना। खाने में अच्छी है। साहब की बन गई सब्जी और मुझे बदनाम करने वाले खाएंगे पूरी आज। मुझे कह रहे थे खाने तुम तो। देखो ये बन गई पूरी और मशरूम की सब्जी। कर दूं अभी खा लेंगे? कर दूं बेटा? कर दूं खाना? आ जाओ तो हाथ तो धो लो बेटे। अब पानी लेके जाओ। ठीक है तो फिर अभी मैं व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बने रहिएगा आगे वाले व्लॉग्स में भी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया था, अब उसके बाद मैं किचन समेट रही थी। और आपको मैं बता दूं कि मेरे फेस पे आज इतना ऐसा क्यों हो रहा था, मेरी आंखों पर भी ना थोड़ी स्वेलिंग नज़र आ रही होगी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है सुबह से, और जब से स्कूल से आई थी ना तो थोड़ा और ज़्यादा लग रहा था, उसकी वजह से आज फेस पर भी काफ़ी डलनेस थी और आइज भी काफ़ी सूजी सूजी हो रही थी। तो बस आज काविंदर जी ने बनाई है मशरूम की सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, और सारा समेट दिया है मैंने काम। अब मैं फ़िलहाल जाऊँगी सबसे पहले रेस्ट, मैं और भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगी आज, मैं पहले सोना चाहती हूँ आराम से। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार और कर दीजिएगा, मतलब एक बार और क्या मतलब कर ही दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।